Okay, friend, we have this question of the complex number from the NCERT. That is mod of z plus 1 is equal to z plus twice of 1 plus iota, then find the value of z. मतलब आपको ये एक complex equation दे रखी है और आपको यहाँ से z की value पता करनी है कि कौन सी z की value given equation को satisfied करेगी. तो चलिए शुरू करते हैं एक बार. How we are going to solve this question? तो सबसे पहले मैं आपसे आपको बताऊं कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहिए. जैसे अभी यहाँ पे मॉड ऑफ z प्लस 1 है लेकिन z तो अननोन है. सो व्हाट वी आर डूइंग कि मैंने सबसे पहले z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया है, दैट इज x प्लस आयोटा वाई के. एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई के. फाइन, obviously we know it ki x is a real part of this complex number and y is actually the imaginary part of the given complex number. theek hai, so what we are going to do, main just ye z ki jo value hai wo is expression mein set kar raha hu, aur agar main isko yahan pe set karta hu to aap dekhenge ki aapko milega x plus ke iota y plus 1 ka mod is equal to x plus iota y x plus iota y plus ट्वाइस ऑफ वन प्लस आयोटा के. फाइनली ये इक्वेशन आपको मिलेगी. अब फर्दर अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं. हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और प्लस के आयोटा वाई के का मॉड इज इक्वल टू अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना रियल पार्ट है उसको क्लब कर लेते हैं और जो इमेजनरी पार्ट है उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं. तो ये बनेगा x प्लस के टू एक्स प्लस टू प्लस के आयोटा एंड दैट इज y प्लस टू के. फाइनली ये हमारे पास आ चुका है. ठीक है, अब देखिए एक चीज आप नोटिस करिए कि लेफ्ट में ये जो आपको डाटा है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया है. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया है तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हैं तो वो एक रियल नंबर जनरेट होगा, पॉजिटिव रियल नंबर जनरेट होगा. लेकिन राइट साइड में अगर आप चेक करें, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका इमेजरी पार्ट है. लेकिन स्टिल ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है. तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल केवल तब हो सकती है जब यहां से ये वाला पार्ट आपका चला जाए या फिर ये हो ही ना हो. ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो होना ही नहीं चाहिए या फिर अपन बोले कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो होना चाहिए. तो जैसे मैं ये कंडीशन को यूज करता हूँ कि इसका इमेजरी पार्ट जीरो होना चाहिए तो y प्लस टू जीरो होगा और y की वैल्यू मुझे माइनस टू पता लग गई. तो यहां तक आप देखेंगे कि y तो हमने फाइनली पता कर लिया है. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्दर इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए कि लेफ्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं. तो यू नो इट वेरी वेल कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस के आयोटा वाई और अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो इसका मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के. ठीक है, यानी कि लेफ्ट क्वांटिटी का अगर मैं मॉड निकालता हूं तो आप देखेंगे कि मॉड इसका आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के. ये लेफ्ट में आ गया. और राइट में अगर आप देखेंगे तो वाई की वैल्यू तो आपने माइनस टू सेट करनी ही है तो केवल x प्लस टू बचेगा क्योंकि y को आपने हटा के माइनस टू डाल दिया है. आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो y है इसको हटा के भी आप माइनस टू सेट कर लीजिए. वी हैव टू टेक इट माइनस टू. और अगर मैं यहाँ पे माइनस टू कंसिडर करता हूँ तो आप देखेंगे ये बनेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू x प्लस टू के. फाइन, अब देखिए छोटा सा काम है, बस मुझे यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है. और इस x की वैल्यू को पता करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सॉल्व द गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग करेंगे. और जैसे मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो देखेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू एक्स प्लस के फोर. और राइट साइड में आप चेक करिए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के फोर प्लस के फोर एक्स के. यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, या फिर अपन लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू टू एक्स. यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू टू एक्स. और x की अगर मैं बात करूं तो x मेरे पास निकल के आ गया है 1 बाई टू के. और आप देखेंगे कि ऊपर आपने y को माइनस टू फाइंड आउट किया था. अब आपको याद होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लेट किया था वो था x प्लस आयोटा वाई. तो अगर मैं ये x और y की वैल्यू सेट करता हूं तो वी विल गेट 1 बाई टू माइनस आयोटा इंटू टू के, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 1 बाई टू माइनस टू आयोटा. एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी अपन बात कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये इक्वेशन थी हमारे पास मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू जेड
प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा फाइंड द जेड. तो यहाँ पे अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड हमें मिला है 1/2 ऑफ माइनस 2 आयोटा एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू.